मैं समझती हूँ रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है और कितना बृहत है। इसको जब भी पढ़ता है व्यक्ति और जब भी इसका जो है चित्रण देखता है टीवी पर हो मंच पर हो तो हमेशा नया जैसा प्रतीत होता है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे और वो भी जूठे बेर खाए थे। मैं समझती हूँ कि जो इस तरीके की बात कह रहे हैं उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं। और पढ़ा क्या, उसको जीने का एक ढंग होना चाहिए। आज भी हम लोग ये कहते हैं कि राम जैसा ही हमारा पुत्र हो, अगर पुत्र हो तो श्री राम जैसा हो। तो इस तरीके की बात कहना प्रभु के बारे में ये अच्छी बात नहीं है। और राम भारत का चरित्र है, राम सब धर्मों का है, राम की बृहत्ता के बारे में बड़े बड़े लोगों ने कहा है। तो मैं समझती हूँ और हिंदुओं ने भी कहा है, मुसलमानों ने भी कहा है, क्रिश्चियंस ने भी कहा है। तो राम एक चरित्र का बात है। हमने और आपने भगवान को देखा नहीं है मगर उनके चरित्र के बारे में हमने सुना है। और हम जब वो चीज़ महसूस करते हैं तो जब राम का नाम लेते हैं तो आराम मिलता है, तब शांति मिलती है। तो मैं समझती हूँ कि शांति का प्रतीक के बारे में इस तरीके की बात करना अच्छी बात। मैं समझती हूँ रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है और कितना बृहत है। इसको जब भी पढ़ता है व्यक्ति और जब भी इसका जो है चित्रण देखता है टीवी पर हो मंच पर हो तो हमेशा नया जैसा प्रतीत होता है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे और वो भी जूठे बेर खाए थे। मैं समझती हूँ कि जो इस तरीके की बात कह रहे हैं उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं। और पढ़ा क्या, उसको जीने का एक ढंग होना चाहिए। आज भी हम लोग ये कहते हैं कि राम जैसा ही हमारा पुत्र हो, अगर पुत्र हो तो श्री राम जैसा हो। तो इस तरीके की बात कहना प्रभु के बारे में ये अच्छी बात नहीं है। और राम भारत का चरित्र है, राम सब धर्मों का है, राम की बृहत्ता के बारे में बड़े बड़े लोगों ने कहा है। तो मैं समझती हूँ और हिंदुओं ने भी कहा है, मुसलमानों ने भी कहा है, क्रिश्चियंस ने भी कहा है। तो राम एक चरित्र का बात है। हमने और आपने भगवान को देखा नहीं है मगर उनके चरित्र के बारे में हमने सुना है। और हम जब वो चीज़ महसूस करते हैं तो जब राम का नाम लेते हैं तो आराम मिलता है, तब शांति मिलती है। तो मैं समझती हूँ कि शांति का प्रतीक के बारे में इस तरीके की बात करना अच्छी बात।